भारतीय जनता पार्टी ने धमतरी में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया है, जिसमें विशेष रूप से सांसद चुन्नीलाल साहू, महासमुंद लोकसभा चुनाव प्रभारी मोतीलाल साहू, सह प्रभारी भावना बोहत्रा सहित अन्य भाजपा मंत्री और प्रभारी उपस्थित रहे। इस दौरान लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई, जिसमें हर घर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने की बात की गई। धमतरी से वैभव चौधरी की रिपोर्ट। अभी लोकसभा चुनाव जो होने हैं उसके संबंध में हमारे यहाँ केंद्रीय कार्यालय खुल चुके हैं महासमुंद लोकसभा में, और उसके तत्पश्चात जो 8 विधानसभाएं हैं उसमें से धमतरी एक विधानसभा है। तो अभी विधानसभा स्तरीय हमारे कार्यालय आज खुले हैं, कार्य का उद्घाटन हुआ है। यहाँ पर जितने लोकसभा के हमारे संयोजक, लोकसभा के सह संयोजक, चुनाव के प्रभारी, ऐसे सभी आदरणीय जन यहाँ पर आए हैं और हमारे सभी कार्यकर्ताओं का वो मार्गदर्शन कर रहे हैं। आज धमतरी जिला में लोकसभा के वोटिंग कार्यालय का जो उद्घाटन हुआ है उस विषय पे यहाँ पे आना हुआ है, क्योंकि महासमुंद लोकसभा की मैं सह प्रभारी हूँ, उस दृष्टि से मेरा यहाँ पे आना हुआ है। और बहुत खुशी की बात है कि जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर के, तो निश्चित ही आत्मविश्वास यहाँ पे आने के बाद आया है कि महासमुंद लोकसभा हम बिल्कुल जीतने वाले हैं। देखिए, मोदी जी की जो योजनाएं हैं, जो पिछले 2 कार्यकाल में जिस तरीके से अंतिम व्यक्ति तक के विकास की जो बात करते हैं, और अंतिम व्यक्ति तक विकास की बात सिर्फ एक बात नहीं है, बल्कि व्यक्ति को उसका फायदा मिला है, चाहे महिला की बात करें, किसानों की बात करें, युवा की बात करें, सब में जो मोदी जी को वापस से लाने के लिए, प्रधानमंत्री बनाने का जो उत्साह जो दिख रहा है, तो निश्चित ही हमें विश्वास है कि महासभा लोकसभा बहुत बड़े जीत के साथ यह दर्ज कराएंगे।